वेलकम टू किंग एश। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों डिवाइसेस का। एक तरफ है हमारे पास टेक्नो की तरफ से टेक्नो कैनन 15 और दूसरी तरफ है हमारे पास इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट। ये कंपैरिजन बहुत टक्कर का होने वाला है क्योंकि दोनों डिवाइसेस की हाईलाइट है, दोनों डिवाइसेस का मेन कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉडी का कंपैरिजन करें यहाँ पे तो दोनों तरफ जो साइज़ है, बॉडी का डायमेंशन है वो तकरीबन एक जितनी ही है, जबकि वेट में देखा जाए तो थोड़ा सा इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट जो है वो ज़्यादा लाइटर है, तकरीबन 10 से 11 ग्राम लाइटर है टेक्नो कैनन 15 के लिहाज से। तो ये पॉइंट जाता है सीधा सीधा इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट को। डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे सेम एलसीडी दी गई है और इसके अलावा दोनों एलसीडी की जो साइज़ है वो 6.6 इंचेस का दिया गया है और साथ साथ 720x1600 की रेजोल्यूशन पे ही दोनों काम कर रही हैं। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 दोनों डिवाइसेस में देखने को मिलता है और इसके अलावा चिपसेट यहाँ पे हेलियो P22 का चिपसेट देखने को मिलता है दोनों डिवाइसेस के अंदर और ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से प्लेटफॉर्म के लिहाज से ये दोनों डिवाइसेस बिल्कुल सेम हैं। मेमोरी की बात की जाए तो यहाँ पे टेक्नो कैनन 15 के अंदर एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 4GB 64GB का, जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के अंदर दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं 4GB 64GB और 4GB 128GB। तो इस लिहाज से ये पॉइंट भी जाता है इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट को। अब बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के मेन हाईलाइट फीचर की। दोनों डिवाइसेस के अंदर क्वाड कैमरा देखने को मिलता है जिसका मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप कैमरा और एक वीजीए कैमरा है सपोर्ट के लिए। एलईडी लाइट और 1080 की आप इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों मोबाइल से कैमरा बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक बात है सेल्फी कैमरास की तो दोनों डिवाइसेस के अंदर सेल्फी कैमरा का कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और साथ साथ इसमें सिंगल फ्लैश लाइट भी दी गई है फ्रंट के ऊपर और 1080 की आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जबकि टेक्नो कैनन 15 के अंदर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और डुअल फ्लैश लाइट दी गई है फ्रंट के ऊपर और 1080 की आप रिकॉर्डिंग इसमें वीडियो कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा जो एक बहुत सॉलिड पॉइंट जाता है टेक्नो कैनन 15 के ऊपर, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा वो एक्चुअल डबल है इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट से। बाकी फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन सारे फीचर्स जो हैं वो तकरीबन सेम हैं, जबकि एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, जबकि टेक्नो कैनन 15 के अंदर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो आपके ऊपर है आपको क्या ज़्यादा सूटेबल लगता है। और साथ साथ बैटरी की बात भी करते चलें तो दोनों डिवाइसेस के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है और दोनों डिवाइसेस के अंदर फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर 10W की चार्जिंग दी गई है। तो चार्जिंग सेटअप के हिसाब से भी, बैटरी के हिसाब से भी दोनों डिवाइसेस बिल्कुल सेम हैं। तो ये था डिफरेंस दोनों डिवाइसेस का और जिसके अंदर टेक्नो कैनन 15 जो है वो विन करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है और डबल एलईडी लाइट भी दी गई है फ्रंट के ऊपर। इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट की हम अलग से अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।